झांसी में कुख्यात माफिया आतिक अहमद के पुत्र का झांसी में एनकाउंटर हो गया। खबर सूत्रों से मिली है कि प्रयागराज बम कांड में आरोपी बनाए गए आतिक अहमद के पुत्र को तलाशने में लगी यूपी एसटीएफ की टीम को उसकी लोकेशन झांसी में मिली। 10 रोज से ही यूपी एसटीएफ की टीम ने अपना जाल झांसी में बिछा रखा था। सूत्र बताते हैं कि उसकी लोकेशन आज बबीना के आसपास मिली, तब यूपी एसटीएफ की टीम ने उनका आमना सामना हो गया। आतिक बेटे ने यूपी एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की, जवाब में यूपी एसटीएफ ने भी फायरिंग में ढेर हो गए और यूपी एसटीएफ की टीम ने उसके कब्जे से आधुनिक हथियार बरामद किया। इधर सूचना पर झांसी पुलिस की आला अधिकारी टीम मौके पर जा रही है। के लड़के असद का इंकाउंटर हुआ है, गुलाम का इंकाउंटर हुआ, कितनी खुशी की बात है। कितना पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया, बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे अभी क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे, प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, आतिक के लड़के का इंकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के, उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं बात धन्यवाद ही कह सकती हूँ। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट।